ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट का हुआ खुलासा, दो बदमाश हुए गिरफ्तार, 40,000 रुपये अपाची गाड़ी व पिस्टल हुई बरामद। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश हुए गिरफ्तार, स्वाट टीम और मोहम्मदाबाद पुलिस ने किया बदमाशों को गिरफ्तार। मऊ के चालीसा उजर पुलिया के पास हुई दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी। सोलह 11 को थाना क्षेत्र मोहम्मदाबाद के बनिया प्यार इलाके में एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक प्रमोद श्रीवास्तव को गोली मारी गई थी, लूट की गई थी उनसे। इस घटना का अनावरण पुलिस की क्राइम टीम और मोहम्मदाबाद के एसएचओ मोहम्मदाबाद के द्वारा अलग करके किया गया। इसमें जो मेन दो लोग मोटरसाइकिल पे थे, उनमें से एक अमित उर्फ गोलू यादव को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दो लोग रैकी कर रहे थे, उनमें से भी एक मुलायम विजय उर्फ मुलायम को पकड़ा गया है। दो लोग इसमें गिरफ्तारी के लिए जो जिनका एक्टिव रोल था वो शेष है, एक मैकू है और एक लालू यादव है। ये इसमें ये इनके साथ साथ जो जिस आदमी ने इनका इसमें रैकी किया है वो है प्रियांशु यादव। ये पास का ही है, वहीं पास का ही रहने वाला है। ये देखता था कि ग्राहक सेवा केंद्र का जो संचालक है वो प्रतिदिन पैसे निकाल के लेके आता है और जिनको जिनसी रिक्वायरमेंट है उनको दिया करता है। किसी की सूचना पर एक घटना हुई थी, तो इसमें चार आदमी लूट में एक्टिवली शामिल थे और एक जो प्रियांशु यादव है वो उसने रैकी किया था। इन पांच लोगों ने मिलकर के घटना कारित की। हाँ, इन सब के आपराधिक रिकॉर्ड है और काफ़ी अच्छे आपराधिक रिकॉर्ड है। सर, क्या क्या बरामद हुआ? इनसे 40,000 रुपये रिकवर हुए हैं और घटना में प्रयुक्त जो रिवाल्वर है वो रिकवर हुई है, नहीं पिस्टल है वो रिकवर हुई है। और अभी एक पिस्टल जो दूसरे मैकू यादव के पास है वो मैकू यादव की गिरफ्तारी के बाद रिकवर की जाएगी। जी हाँ, मुठभेड़ के दौरान इनको पकड़ा गया है और इनकी रिकवरी। नहीं, थानाध्यक्ष की लापरवाही, ऐसी कोई जांच की गई है, ऐसी कोई लापरवाही प्रकाश में नहीं आई है। बात यह है कि ये ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक जो है इनका अपना कोई टाइम फिक्स नहीं है, कब ये पैसा लेके आएंगे कब लेके जाएंगे। अगर ये हमको ये सूचना दे दें कि इस समय हम पैसा लेके आएंगे आ रहे हैं तो हम इनके लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था कर देंगे, बट ऐसा कभी होता नहीं है। तो असली लापरवाही तो ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों की है।